गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी की एमएसपी के लिए कानून बनाने की मांग। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पांचवीं बार पहले नंबर पर रहा इंदौर, राष्ट्रपति ने दिया अवार्ड। राजस्थान में कल शाम 4 बजे हो सकता है कैबिनेट का पुनर्गठन। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने हरमिंदर साहिब में मत्था टेका, करतारपुर साहिब रवाना। शाम को राज्यपाल से मिल सकते हैं सीएम गहलोत, स्वीकार किए 3 मंत्रियों के इस्तीफे। टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। संभल में अजीज कुरैशी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी और योगी ने देश को बर्बाद करने के साथ ही इंसानियत और मानवता को भी बांट दिया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की लगातार बढ़ती सक्रियता को लेकर ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा है। आगे अजीज कुरैशी ने कहा कि जितने पैसे ओवैसी को बीजेपी से मिलते हैं उतनी ही वो रैलियां करते हैं, वो बीजेपी के दलाल है और चाहते हैं कि बीजेपी ही जीते। अयोध्या नगरी से शुरू हुई देव दीपावली महोत्सव अब पूरे भारत में मनाई जा रहा है। इसी के पश्चिमी प्रदेश में लगभग सभी शहरों में देव दीपावली खुशी से मनाया जा रहा है। अयोध्या और बनारस की तर्ज पर अलीगढ़ शहर में देव दीपावली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस महोत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। खास बात यह है कि पूरी आरती स्थल को पोस्टर और रंगोली के साथ सजाया गया। आज प्राचीन सिद्धपीठ से गिरिराज हनुमान मंदिर की ओर से अचल पड़ताल परिसर में 16वां देव दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये 16वां आयोजन है। 2006 से 51 दीपकों से आरंभ करते हुए हम आज 33,333 दीपकों तक पहुंचे हैं। अगले वर्ष यहाँ की छटा अलग होगी, बहुत सारे यहाँ पर परिक्रमा मार्ग परिसर होंगे। तो मैं अभी से ये संकल्प लेना चाहता हूँ कि ये संख्या हजारों में ना जाके कुछ लाख में, तो कम से कम 1,01,000 तो पहुंचे। कानपुर में देव दीपावली में शहरों के घाटों में लोगों का जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया, जहां लोगों ने दीप जलाकर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान महिलाओं के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी दीप जलाए और गंगा में दीप दान किए। वहीं कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली महोत्सव के अवसर पर आज बाबा आनंदेश्वर मंदिर घाट में माँ गंगा की विशेष आरती की गई और दीप महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देव दीपावली पर सभी भक्तों ने अपने परिवार के साथ पूजा की। दीपों और रंगोली से सजे मां गंगा के घाट जगमगाते हुए भी दिखाई दिए। कोरोना वायरस रोकथाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई पहल शुरू की गई है। सरकार के द्वारा कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए आम जनता के लिए कोविड टीका अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जा सके और कोरोना महामारी के टीके से जो लोग भागते नजर आ रहे हैं उन्हें राशन की दुकान से राशन लेने से पहले कोविड टीका कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया है, जिससे कोरोना वायरस महामारी के टीके के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी। पहले इसके लिए जगह घर राशन की दुकानों पर वकायदा अभियान भी शुरू किया गया। बता दें कि पूरा मामला जिला अलीगढ़ के शहर का है, जहां पर राशन की दुकानों पर राशन डीलरों के द्वारा आम जनता को कोरोना टीका कार्ड लाना अनिवार्य किया गया है। राशन डीलरों का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी को भी राशन चाहिए तो वो कोविड टीके के कार्ड के साथ आए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन।
राशन पर चल रहा है, क्या है इसमें? इसमें ये है कि जो सरकार द्वारा ये कहा गया है कि बिना इसके राशन नहीं मिलेगा, जिससे अब जो है कोविड वैक्सीन को वहीं पर स्थापित किया गया है, वैक्सीनेशन को वहीं पर स्थापित किया गया है कि जहां पर राशन बट रहा है, जिससे कि जो राशन लेने आ रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो और जो भाग करके सेंटर पर जाएंगे उनको भी परेशानी ना हो। तो उस पर पूरा अमल हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टीके के लिए हम लोगों से कह रहे हैं और टीके के कैंप बरार में लगा हुआ है, सबको टीका लगवाया जा रहा है और उनका प्रमाण पत्र देखा जा रहा है और उनसे कह दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं, अन्यथा तब आपको राशन देंगे। पहले आप टीका लगवाएं फिर उसके बाद आप अपना राशन। पीएससी के नज़दीक है, बिल्कुल जस्ट सामने है, तो इसलिए तो पीएससी पर यहाँ कर दे रहे हैं, वहाँ जगह ना होने के कारण बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए तो बाद बाकी हमारे 4 सत्र राशन डीलरों की दुकानों पर ही लगे हुए हैं। आज 2 मामून नगर में लगे हुए हैं, 1 मोहम्मद इस्लाम के यहाँ, 1 फरमान जी के यहाँ राशन डीलर हैं ये, और 1 मोहम्मद यासीन है और 1 मोहम्मद जाकिर सैफी हैं। तो 4 सत्र इस प्रकार से लगे हुए हैं, 1 जगह का नाम है चरकवालन और तेलीपाड़ा और मामून नगर। तो कोविड 19 कार्ड दिखाने के बाद ही अब राशन मिल पाएगा, ये एक नई पहल शुरू की है ताकि लोगों को कोविड से बचाया जा सके। जितने भी लोग टीका लगवाने से यानी कि वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं उनको इसके प्रति जागरूक किया जा सके और सभी को वैक्सीनेट करने की जो ये मुहिम चलाई गई है अलीगढ़ में सामने आई है, जहाँ राशन कार्ड के साथ साथ अब कोविड टीकाकरण का कार्ड भी लाना अनिवार्य हो गया है। जब अगर किसी को राशन लेना है तो पहले टीकाकरण का कार्ड दिखाना अनिवार्य दिया गया है। राशन डीलरों का कहना है कि अगर आपको राशन चाहिए तो पहले टीकाकरण का कार्ड दिखाइए, अगर आपने टीकाकरण नहीं करवाया है तो उसका भी प्रबंध किया गया है, टीकाकरण आप करवा सकते हैं। अलीगढ़ में ये नई पहल शुरू की गई है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट किया जाए, जागरूक किया जाए और जो जनता है उसको कोरोना से बचाया जा सके। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई है, साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। अजीतमल के ग्राम गणेश प्रवाह में जो है आज एक घटना हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि जो है जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में पूर्व विवाद चल रहा है, जिसमें बड़े भाई ने एक छोटे भाई को रात में सोते वक्त कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भिजवाया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई। शाहजहांपुर में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एसटीएफ और सदर बाजार पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 3 करोड़ की कीमत के अफीम को बरामद कर लिया गया है, साथ ही गिरफ्तार हुए नशा तस्करों के पास से 3 मोबाइल और कुछ कैश भी बरामद किया गया है। फिलहाल पकड़े गए नशा तस्करों के ऊपर पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। फरुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिविल लाइन मड़ैया में दबंगों के बुलंद होते हौसले देखने को मिले, जहां देर रात दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं समेत पूरे परिवार के साथ मारपीट की। दबंगों की मारपीट से परिवार के 8 से 10 लोग घायल हो गए हैं, जबकि हमलावर दबंग मारपीट के बाद मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जिला अस्पताल भेजा और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। तो दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं फरुखाबाद में, जहां घर में घुसकर महिलाओं समेत 10 लोगों के साथ मारपीट की गई है। 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और फरुखाबाद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे बेखौफ दबंगों ने दबंगई की है, पूरे परिवार के साथ मारपीट की। देर रात दबंग घर में घुस गए, महिलाओं समेत पूरे परिवार के साथ मारपीट की और दबंग की मारपीट के चलते 8 से 10 लोग घायल भी हो गए, जबकि हमलावर दबंगई करके फरार हो गए। पूरे मामले की सूचना पर पुलिस ने गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
रायबरेली के हरचंदपुर के प्यारेपुर चौराहे में एक अनियंत्रित तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंद दिया, जहां बस के नीचे आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे अस्पताल पहुंचाने से पहले ही रास्ते में युवक की मौत हो गई। ये थाना हरचंदपुर से एक राहुल नाम का कांस्टेबल लेकर आया था, इसमें जिसमें एक करीब लगभग 35 साल का आदमी एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक से था और रोडवेज बस से हुई है। कांस्टेबल यही बता रहा था, जिसमें इसका उसके बाइक से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हेड इंजरी आई है। बाकी जो पेशेंट लेकर आया लाया गया तो उसके एग्जामिन करने के बाद से ब्रॉड डेड था, मतलब मृत अवस्था में लाया गया। बाकी उसकी बॉडी को मर्चुरी में रखवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। ये थाना हरचंदपुर। रायबरेली के बछरावा थाना के उत्तर बाजार कस्बे में वर्दी के गुरूर में चूरे एक पुलिसकर्मी ने व्यापारी पर असलहा तान दिया और दुकानदार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। जब व्यापारी ने गालियों का विरोध किया तो पुलिसकर्मी ने व्यापारी पर अपना सर्विस रिवॉल्वर तानकर जान से मारने की धमकी दी और यह पूरा मामला बगल की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो रायबरेली से यह खबर सामने आ रही है, तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से वर्दी के नशे में चूर नजर आ रहा है पुलिसकर्मी। दुकानदार के ऊपर अपनी रिवॉल्वर रखकर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बगल की दुकान के सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। आपको बता दें कि डराने धमकाने के साथ ही अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। जब इसका विरोध किया गया दुकानदार द्वारा तो पुलिसकर्मी द्वारा उसे डराने की कोशिश की गई, अपना रिवॉल्वर निकालकर उसके ऊपर उसने तान दिया पुलिसकर्मी ने और जान से मारने की धमकी दी। तो दुकानदार को मारने की धमकी दी गई है, सीसीटीवी फुटेज में पूरा मामला कैद हो गया है, तस्वीरें देख सकते हैं आप। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, जिस तरह से तस्वीर निकल के सामने आई है, पुलिसकर्मी अपनी वर्दी के नशे में चूर है, अपनी रिवॉल्वर का गलत इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पुलिस अधीक्षक से बात हुई है, वो अभी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कोई दूसरा आदमी था जो एक पुलिस की वर्दी में गया था, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, वो एक पुलिस वाला ही था, क्योंकि उसने जो रिवॉल्वर निकाली है वो सर्विस रिवॉल्वर थी और जो है सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक धर्मराज गुप्ता जो बछावा पे इनकी ताला चाबी बनाने की दुकान थी, इसने जो है वहां पे एक ताला दिया था जिसकी चाबी बननी थी, उसी को लेकर ये सारा विवाद था। और ये दरोगा ये जाते हैं और सर्विस रिवॉल्वर निकाल के उसको धमकाते हैं। जब पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है तो पुलिस जो है पूरे मामले की लीपापोती करने में जुट गई और ये बयान लगातार आ रहे हैं कि वो कोई दूसरा व्यक्ति था जो पुलिस की वर्दी में था। शंकर, जो तस्वीरें सामने आई उसमें चेहरा बिल्कुल साफ है, तो क्या पहचान नहीं कर पा रहा पुलिस प्रशासन? नहीं, अभी वो पहचानने से इनकार कर रहे हैं, बस वही उनका एक ही लटा लटाया जवाब है कि अभी जांच चल रही है और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पुलिस का आदमी नहीं है, पुलिस की वर्दी पहने हुए कोई पब्लिक का आदमी था, जबकि सच्चाई ये है कि उसके पास सर्विस रिवॉल्वर थी। अगर पुलिस वाले ही ऐसे काम करने लगेंगे तो बाकी की जो व्यवस्था है वो खराब हो जाएगी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जिले की कानून व्यवस्था तो पहले से ही ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिर्फ लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों को बैलेंस करने में ही इनका पूरा कार्यकाल बीतता जा रहा है। सच्चाई ये है कि लॉ एंड ऑर्डर पे चाहे अज्ञात लाशें मिलने का हो, चाहे लूट के मामले हो, चाहे हत्या के, अभी तक किसी भी गंभीर अपराध का खुलासा करने में रायबरेली पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही है। रायबरेली पुलिस अब दबंगों पे और अपराधियों पे शिकंजा कस नहीं रही है, लेकिन खुद भी दबंगई करती नजर आ रही है। जिस तरह से हथियार निकाला है, जो ये पूरी घटना सामने आई है, क्या कहेंगे इस पे, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? जी हाँ, बस वही एक है कि पहचानने की कोशिश करी जा रही है। हो सकता है कि पुलिस सिपाही या दरोगा, जो भी दरोगा जो है, गैर जनपद से कर रहा हो, फिलहाल ये इनकार कर रहे हैं कि इस दरोगा की पोस्टिंग इस जनपद में है, इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। तो अगर ये पाए जाते हैं अपराधी, अगर गुनाहगार पाए जाते हैं, तो क्या इनको सस्पेंड किया जाएगा, इनके ऊपर जांच की जाएगी? अभी तो पहला सवाल है कि इसकी पहचान हो, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि ये दरोगा रायबरेली जनपद में तैनात नहीं है, किसी गैर जनपद का भी हो सकता है। पहचान जांच जारी है, पहचान जैसी हो जाएगी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे।
कृषि कानून वापस लिए जाने पर सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला बोल दिया है। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि कृषि कानून वापस लिए जाने से किसानों का नुकसान होगा। आजादी के बाद से किसानों के पैरों में बेड़िया पड़ी थी, जिसे दो वर्षों पूर्व सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाकर तोड़ दिया था। किसान अपनी फसल की उपज को अपने घर से लेकर देश के किसी कोने में बेच सकते थे। 3 कृषि कानून वापस होने से किसानों के पैरों में फिर बेड़िया पड़ जाएंगी। जिले का एक भी किसान बताए कि 3 नए कृषि कानून के बाद किसी को कोई नुकसान हुआ हो। 3 जो कृषि कानून वापस किए गए, कायदा में से किसानों के फिर पैरों में बेड़िया लगेंगी। जो किसानों की बेड़िया खोली गई थी मानी इन 3 बिलों के माध्यम से, ये बिल वापस नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से कुछ गुमराह किसानों को कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल द्वारा जिस तरह से किसानों को गुमराह किया जा रहा था, देश का बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए मजबूरी में माननीय प्रधानमंत्री ने वो 3 बिलों को वापस करने का, जो मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ, तो वो वापस किया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।